सो हेलो एंड वेलकम माय डियर यूट्यूब फैमिली, दिस इज श्रियांश विद अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट स्टडी टेबल। सो गाइस यार, ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और ये YouTube में पहली बार होने वाला है। मैंने YouTube में चेक कर रखा है, ये प्रोजेक्ट अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया है YouTube में। और ये प्रोजेक्ट अगर आप किसी भी साइंस एग्जीबिशन या फिर इंस्पायर अवार्ड के लिए बनाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांस है जीतने की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्टडी से रिलेटेड है और इसी टाइप के काम के प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर जिताया जाता है। और इस प्रोजेक्ट का डेमो देखकर आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम इसे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेरी वीडियो की खासियत ये होती है कि मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बताता हूँ, और इस तरीके से बताता हूँ जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता वो भी मेरी वीडियो को देखकर वो चीज़ बना सके। तो इसका चिंता आप मत कीजिएगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके नीचे ज़रूर पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना, ये मेरा है इंस्टा आईडी, इसको आप फॉलो कर लेना, और यहाँ पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई दे देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का एक डेमो देख लेते हैं। तो गाइस, इसमें जैसे ही कोई भी टेबल के पास आएगा तो 2 सेकंड के अंदर ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी बिना कहीं पे टच किए। जब तक वो यहाँ पे रहेगा तब तक ये लाइट ऑन ही रहेगी, और जैसे ही वो यहाँ से उठ के जाएगा तो 2 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से उठ के जाऊंगा और 2 सेकंड के अंदर लाइट ऑफ हो जाएगा। तो 1 2, तो ये लाइट ऑफ हो चुकी है। तो एक बार और देख लीजिए, जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो रहा है और मैंने कहीं पे टच नहीं किया है, और जैसे ही मैं यहाँ से उठ के जाऊँगा तो लाइट ऑफ हो जाएगा। पसंद आया ना प्रोजेक्ट? मुझे पता है कि आपको जरूर पसंद आया होगा ये प्रोजेक्ट, और इसे बनाने का तरीका भी अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कोई भी पॉइंट मिस मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस ऑसम वीडियो। सो गाइस, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक कार का इंजन। सो ये कोई कार का इंजन नहीं है, ये है आर्डुइनो नैनो। उसके बाद हमें इसके प्रोग्रामिंग के लिए इसकी केबल भी चाहिए होगी, तो ये भी इसके साथ में ही आ जाती है। और उसके बाद हमें चाहिए एक 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल, ये स्विचिंग का काम करेगा यानी कि बल्ब को ऑन ऑफ करेगा। और फिर हमें चाहिए सेंस करने के लिए एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये सेंसर सामने में किसी आदमी को सेंस कर लेगा और आर्डुइनो में सिग्नल भेजेगा। सो इसके साथ में इसका माउंट भी आया हुआ है, आप इसे यूज़ कर भी सकते हैं बट इस प्रोजेक्ट में इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, तो इसके बिना भी ये चल जाएगा। और इसके बाद हम ले लेते हैं कुछ जम्पर वायर्स, तो इस प्रोजेक्ट में सारे कनेक्शन हम जंपर वायर से ही करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से कनेक्शन करते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर में मैं 4 जंपर वायर्स लगा रहा हूँ, जिसमें ग्राउंड में मैं कनेक्ट करूँगा ब्राउन वायर, एको में रेड वायर, ट्रिगर में ऑरेंज वायर और VCC में येलो वायर। और फिर इसके बाद चलते हैं हम अपने रिले मॉड्यूल में। तो रिले मॉड्यूल में भी 3 जंपर वायर हमको लगा देने हैं, इसमें भी कनेक्शंस प्रिंट होते हैं। तो VCC में है व्हाइट वायर, ग्राउंड में है पर्पल वायर, और इन में मैं लगा रहा हूँ ब्लू वायर, इनका मतलब है इनपुट। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आप आर्डुइनो के बारे में नहीं जानते तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये है आर्डुइनो नैनो, ये एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर है, इससे हम कोई भी टास्क करा सकते हैं। ये है प्रोजेक्ट का ब्रेन, तो इसी में सब चीज प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर एक TX पिन है, एक RX पिन, एक रीसेट पिन, एक ग्राउंड पिन, D2, D3 से लेके पूरा D12, D13 तक डिजिटल पिन है। इन पिन से हम कोई भी डिजिटल इनपुट या आउटपुट ले सकते हैं। डिजिटल पिन सिर्फ 2 ही मोड में काम करते हैं, एक हाई या फिर लो। तो इस साइड अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको भर भर के और पिन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर एक डिजिटल पिन और है D13, उसके बाद 3V3 है, यानी कि यहाँ से आप 3.3 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे भी एनालॉग पिन्स, A1 से लेके पूरा A7 तक। उसके बाद है एक 5 वोल्ट पिन, एक रीसेट पिन, एक ग्राउंड पिन, और एक है वोल्टेज इनपुट पिन, जिससे कि हम आर्डुइनो को पावर देते हैं। तो अब हम आर्डुइनो से अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट कर देते हैं। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर के ग्राउंड को आर्डुइनो के ग्राउंड से जोड़ देंगे, एको को D2 में, ट्रिगर को D3 में, और VIN को हम 5V यानी कि 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्शन का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसके सर्किट डायग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख के कनेक्शन करना। तो मैंने रिले मॉड्यूल के VIN और ग्राउंड को आर्डुइनो के VIN और ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है, और इसका जो एक बचा खुचा वायर है यानी कि इनपुट का वायर, इसे हम लगा देंगे D4 में।
सो गाइस, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी कनेक्शन वगैरह था वो तो हमारा हो चुका है। अब चलते हैं आर्डुइनो के प्रोग्रामिंग पे। तो आर्डुइनो के केबल को आपको आर्डुइनो से लगाना है। इसके दूसरे साइड ओटीजी लगा के आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, या फिर आपको कंप्यूटर से करना है आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के कोड का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको इसमें प्रोग्राम करना नहीं आता तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे मैंने दे दिया है। इस वीडियो में मैंने अच्छे से प्रोग्रामिंग करना सिखा दिया है। और अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं आर्डुइनो प्रोग्रामिंग पे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। सो गाइस, यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यार बहुत लोग को पता नहीं चलता मेरी वीडियो कब आती है। कभी कभार मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता तो बहुत लोग मैसेज करके पूछते हैं कि नया वीडियो आपका कब आ रहा है। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप ये जो इंस्टा आईडी है इसको फॉलो करके रख सकते हो। इस आईडी में हर चीज़ का अपडेट मैं स्टोरी लगाकर दे देता हूँ कि कब मैं वीडियो को शूट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, कब शूटिंग मेरा खत्म हो गया है, कब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, कब ये वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाली है, ये सब आपको बहुत पहले से ही पता चल जाएगा इस आईडी में। जैसे यूट्यूब में आपने सब्सक्राइब कर रखा है वैसे ही इसमें भी फॉलो कर लेना, और इसमें अदर मेरे लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब हमें बल्ब के किसी एक वायर को बीच से कुछ इस टाइप से कट कर लेना है। ये जो दो वायर्स निकले हैं ये जाएंगे हमारे रिले में, और रिले में यहाँ पर तीन पिंस है, तो इनमें से एक वायर आपको डाल देना है बीच में यानी कि कॉमन में, और दूसरा वायर डालना है आपको NO यानी कि नॉर्मली ओपन में। सो गाइस, इतना काम करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। गाइस, मैंने तो अपना काम कर दिया, आपको ये प्रोजेक्ट बनाकर दिखा दिया। अब आपकी बारी है, आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे में जो लाइक का बटन है उसको दबा देना है, सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, और नीचे कमेंट में जाके आपको लिखना है बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।